रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमई के हनुमान चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार चालक मीरकपुर सरपंच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मीरकपुर सरपंच रवि देशमुख और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बोरकर के साथ दोनों ही मीरकपुर से बालाघाट की ओर कार से जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए वे आ रहे थे। कार रवि देशमुख चला रहा था, वहीं डंपर खैलांजी से कटंगी की ओर जा रहा था। तभी ग्राम अमई के हनुमान चौराहे के सामने से आ रहे डंपर से कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना दोपहर लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर से भरे तेज रफ्तार डंपर चालक ने कार को साइड से अपनी चपेट में ले लिया। कार को डंपर ने साथ में घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। हादसा इतना भयावह था कि हादसे के बाद कार व डंपर चौक स्थित एक पान ठेला में जा घुसे, जिससे पान ठेला संचालक शिवम बागभारे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसमें कार चालक मीरकपुर सरपंच रवि देशमुख की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, तो वहीं कार में बैठे पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बोरकर सहित डंपर की टक्कर से गिरी दुकान में चपेट में आने से एक बालक और बाइक चालक के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी गई। रामपाली पुलिस ने तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि अमई के हनुमान चौराहे में हमेशा हादसे होते ही रहते हैं। इस चौराहे में ब्रेकर नहीं होने के चलते वहां बड़ी ही तेज गति से वाहन दौड़ते रहते हैं, जिससे आए दिन वहां सड़क हादसे होते रहते हैं। मतलब ये जो है प्रमोद बोरकर मेरा भाई है। अच्छा अच्छा भैया, क्या जानकारी मिली अभी आपको? वही एक्सीडेंट हुआ करके। किसने फोन लगाया, कैसे जानकारी लगी आपको? गांव वालों ने, कई फोन आते रहते हैं। अच्छा, तो ये चल जाता है। कैसे हुई घटना ऐसा कुछ? उधर ये कार से आ रहे थे बालाघाट मीरकपुर से, उधर से डंपर आ रहा था चौरस्ता ऐसा,
तो इधर से ये आना चौरस्ते, उधर से ट्रक आना, वो ये डंपर आना, अच्छा टक्कर होगी। अच्छा पानठेला में भी जाके वो टक्कर मार के वो पानठेले में जाके घुसा होगा वो, अब मैं देखा नहीं जाता। अच्छा आप सीधे वही वहाँ उतरा, वहाँ से देखा मेरे भाई को कहाँ लेके गए, रामपाली ले आया, रामपाली से सीधे एम्बुलेंस में बैठ के उसके साथ आ गया। कैसी स्थिति है अभी? अभी तो ट्रीटमेंट। अच्छा वो भैया लोग कहाँ जा रहे थे, कार वाले, ऐसा कुछ जानकारी है? अच्छा संबंध में जानकारी है कि डंपर से एक्सीडेंट हो चुका है, उसके पश्चात हम लोग को ग्रामीण लोगों को जानकारी मिली तो हम गए। जाने के बाद घटना स्थल पर गए तो डंपर ने फोर व्हीलर को एक्सीडेंट किया हुआ था। अच्छा लगभग कितने लोग इसमें चोटिल हुए हैं? इसमें चार लोग। अच्छा यहाँ ये जो स्थान पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ के पहले भी घटनाएं होती रहती है? हाँ, पहले घटना होती रही है। अच्छा क्या कारण है वहाँ घटना? वहाँ पर चार तरफ से रास्ता है, अमई मतलब कटंगी से आने वाला रोड है, भजड़ से आने वाला रोड है, चिखला से भी आने वाला रोड है और रामपाल से भी आने वाला रोड है। अभी ज्यादा क्रिटिकल किसकी स्थिति बताई जा रही है? क्रिटिकल स्थिति रवि देशमुख को शायद मुझे मानना है कि उनकी डेथ हो चुकी है और प्रमोद भैया को तो बाधा लेके आए और दो लोग जो है उनकी स्थिति। अच्छा जैसे भैया वहाँ काफी दुर्घटनाएं होती रहती है, चौराहा बता रहे हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? ब्रेकर भी हो, ब्रेकर नहीं है उस रोड पर, हाईवे रोड होने के कारण, और बहुत दिनों दिन स्थिति मतलब प्रतिदिन मुझे ये याद है कि घटना